Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. तो अभी हम निकल रहे हैं छोटी वाली गाड़ी में नैनीताल की तरफ, उत्तराखंड की तरफ शादी के लिए. तो आज हम कमला नगर से निकल रहे हैं, न्यू दिल्ली से. तो अभी निकलते हैं. अभी हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो फटाफट निकलते हैं. Turn right onto National Highway 44. मुंबई का वड़ा पाव अभी आया है राउंड टू, उसके बाद होगा राउंड थ्री. हाँ, उस टाइम जल्दी जल्दी में मैंने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं उत्तराखंड, मेरे कज़न की शादी है उसमें. और उसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो हम आसपास की जगह भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे. वैसे ज़्यादा टाइम है, मतलब ज़्यादा छुट्टी लंबी लेके हम निकले नहीं हैं. तो वैसे हमारा 2 दिन या 3 दिन का प्लान है, कल और परसों. और मैं, पापा और मेरा भाई आए हैं इस बार, और वो दोनों एक्सपर्ट ड्राइवर हैं. तो इस बार मैं बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर रही हूँ. तो अभी आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, आज हम रात को वहाँ पहुँच जाएंगे. और कल हल्दी मेहंदी है और शायद संगीत भी होगा. उसके बाद फिर यहाँ पे होगा शादी नेक्स्ट डे है, फर्स्ट को. तो और वैसे काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने एक और ट्रिप भी किया था, बट उसकी वीडियोज़ अभी एडिट हुए नहीं हैं. और इस वजह से वीडियो आया नहीं है. तो ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी जल्दी से, क्योंकि जो ट्रिप की वीडियोस होते हैं 10 डेज़ का वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, और अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ. तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे एक हमने ब्रेक लिया है. अभी भी यहाँ से 145 किलोमीटर दूर है. तो यहाँ पर हम हल्दीराम में रुके हैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए और गाड़ी को रेस्ट देने के लिए, ताकि गाड़ी ज़्यादा गर्म ना हो जाए. तो अभी हमने ब्रेक लिया है. अभी हमारा फ़िलहाल हो गया है खाना, और हमने थोड़ा कुछ पैक भी करा लिया है. तो अब हम सीधा लोकेशन पे रुकेंगे, होटल में जहाँ हम जा रहे हैं. वहाँ जाने के बाद मैं आपको वहाँ का जो भी होगा दिखाऊंगी. तो अभी लेट हो रहे हैं, तो अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी से. यहाँ का हल्दीराम काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है. फाइनली हम पहुंच गए हैं रिजॉर्ट होटल जो भी है ये, उसमें. तो मैं जो पूरा है अच्छे से वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, मतलब सुबह होने के बाद दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी. अभी फ़िलहाल मैं आपको रूम दिखा देती हूँ. तो ये एक रूम है भाई और पापा का, और मेरा रूम इसके बगल वाला है. तो मैं फ़िलहाल आपको ये वाला रूम दिखा देती हूँ, दोनों आइडेंटिकली होंगे. तो ये कैसा दिखता है, ये एंट्रेंस है और इसके पास यहाँ पर थोड़ा सा सिटिंग स्पेस है. अभी हम जस्ट आए हैं, तो इसलिए हमारे बैग्स वगैरह यहीं पे रखे हुए हैं. तो ये सिटिंग स्पेस है, कोई भी आएगा तो आप बात कर सकते हो. वो फुल साइज़ का बेड है. मेरा वाला रूम अभी मैं उधर गई नहीं हूँ, उसके बाद ही कुछ ऐसा सा दिखता है. और यहाँ पे टीवी है, यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है, पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि रात का टाइम है. यहाँ पे आप कपड़े हैंग कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा लाइट है. ये वॉशरूम है, और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है थोड़ा, और वो टूल है अगर आपको मेकअप करना हो तो आप कर सकते हो. तो फिलहाल कुछ ऐसा सा है. बाहर काफ़ी सारे लोग हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, और हम सुबह 6 बजे से हम उठने की कोशिश कर रहे हैं, पर कल हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमसे उठा ही नहीं जा रहा था. तो फाइनली अभी हम ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और हम उठ गए हैं. तो यहाँ पे जिस रूम में हम रुके हुए हैं, ये रूम और इसके जस्ट बगल में वॉल के उस तरफ दूसरा आइडेंटिकल रूम है जिसमें पापा रुके हैं. तो इसमें ये चीज़ है कि ये शायद मतलब ऐसे बना हुआ है या जो भी, उस तरफ का आवाज़ इस तरफ आता है. तो कोई भी अगर उधर बात कर रहा है थोड़ा भी हो तो इस तरफ सुनाई देता है, और इसी वॉल पे उस तरफ बेड लगा हुआ है. तो अभी फ़िलहाल हम उठे हैं, भाई उठने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार मुझे कह रहा है. उसके बाद मैं बाहर देखा, बाहर सब लोग
सारे लोग बैठे हुए थे, बाहर गार्डन है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ भी सब लोग बैठे हुए थे और मीटिंग चल रहा था, बट अभी सब लोग गए हुए हैं चाय पीने, तो हम सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं, तो मैं और भाई नहीं गए। और ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ का वॉशरूम भी अच्छा है, तो ये वॉशरूम है। ये जो गेट है, थोड़ा यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, इस वजह से कल ये खुल ही नहीं रहा था मुझसे, ये इतना हार्ड है, ये ऐसे ये खुलता ही नहीं है। तो अभी मैंने सामान सारे ऐसे ही रख लिए हैं ट्रॉलीज लाइन से। इस तरफ ऐसे ये जाने का रास्ता बना हुआ है, अभी मैं बाहर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा दिख रहा है। ये वाला हमारा रूम है और ये वाला पापा का रूम है। फिलहाल अभी हम बाहर निकले हैं, भाई वॉक कर रहा है, और ऐसे बाहर आप बैठ सकते हो, वो बॉनफायर के लिए भी है। और एक ये जगह है जहाँ पे खाने का है, और एक आगे है, इधर इधर से रास्ता गया है। ये है हमारा दूसरा रूम, इस वॉल के उस तरफ। अच्छा, सारे वॉल्स पे अलग अलग बना हुआ है, देखो हमारे वाले पे कुछ और है। अभी हम जा रहे हैं बाहर, अब हम जाएंगे देखने स्विमिंग पूल और उधर का एरिया। तो ये है यहाँ का पूल, और वो है जहाँ पे हल्दी का हो रहा है तैयारी, जहाँ पे फोटोज वगैरह लिए जाएंगे। तो ये है पूल का एरिया, इस तरफ पूल की हाइट मतलब डेप्थ बहुत ही कम है, क्या आप देख सकते हैं, वहाँ पे स्टेयर्स है बस दो तीन, और वही इसका उस साइड थोड़ा सा गहरा है पर ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही ऐसा लग रहा है बच्चों का पुल है। फाइनली यहाँ से थोड़ा माउंटेन दिख रहा है, ये रहा। तो रात को जब हम आए थे तो वो नज़र नहीं आ रहा था, बट अभी दिख रहा है। ये ड्रेस है, अभी बाहर जा रहे हैं हम, एक पास में वाटरफॉल है वहां पे जा रहे हैं, तो ये ड्रेस अभी फिलहाल मैंने उसके लिए पहना है। और हल्दी के लिए येलो ड्रेस और येलो बेलीज मैंने निकाल के बाहर रखा है, वो मैं अभी एक्चुअल में पूजा होने वाली है तो पूजा के बाद वो पहनेंगे। तो फटाफट हम घूम के आते हैं, अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में हमने लिया अंडे पूरी सब्जी, सैंडविच भी था, दूध भी था बट नहीं लिया, और उसके बाद हमने लिया कॉफी। अभी हम निकल रहे हैं वाटरफॉल के लिए, और आज मैंने मास्क करके पहना है शू। तो अभी यहाँ से निकलते हैं वाटरफॉल के लिए, वाटरफॉल ज़्यादा दूर नहीं है, 1.7 किलोमीटर यहाँ से दिख रहा है, तो अभी देखते हैं, फटाफट जाएंगे वो देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। रास्ता है और जहाँ से अभी हम आए, और ये वाटरफॉल का पानी आ रहा है जो ऐसे सीधे वहाँ आ रहा है, वो जो स्टेयर्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर आप आते हो तो आपको 70 स्टेयर्स चढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से 900 मीटर है, और ये है वो पार्क, वहाँ पे हमारी छोटी सी गाड़ी लगी है, और यहाँ पे आपको एंट्री करना होता है जहाँ पे मेरे पापा ग्रीन शर्ट में खड़े हैं। तो आप इस तरफ वाले रास्ते से भी जा सकते हो, बट आपको वॉक ही करना पड़ेगा, गाड़ी नहीं जाती है, तो हमने सोचा कि हम स्टेयर्स चढ़ लेंगे और वैसे चले जाएंगे। पानी के साउंड से तो लग रहा है कि अच्छा खासा वाटरफॉल होगा, और फोटो में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अभी वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा है। अभी वहाँ तक जाते जाते हम थक भी सकते हैं, बट ऐसे आज ज़्यादा धूप नहीं है और टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर,
और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हल्दी के फंक्शन में वहाँ पे टाइम है, वहाँ पे अभी पूजा होगी, उसके बाद उसका जो डेकोरेशन है वो भी चल रहा था, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फैमिली पूरी आ चुकी है, तो अभी हम बस यहाँ से जब वापस जाएंगे तो अभी कुछ था, आई थिंक वीडियो में दिखा होगा, कुछ बड़ा सा क्रॉस हुआ मेरे कान के पास से, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, जंगल जंगल, तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है जंगल जंगल वाला, और पूरा पानी का साउंड है, और भाई वहाँ पे किसी से बात कर रहा है, आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा, क्यूट सा छोटा सा बच्चा है। पानी का साउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी फोर्स में आ रहा है इतने दूर में भी, तो इसका मतलब है कि काफ़ी सही होगा। तो पापा को काफ़ी टाइम लग रहा है, चलो मैं आपसे थोड़े दूर चलने के बाद मिलती हूँ। तो अभी जाना हमने शुरू किया है, और पानी का बॉटल हम साथ लेके आए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई शॉप या कुछ भी नहीं होगा तो पानी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे वाटरफॉल का इतना ज़्यादा साउंड है, इतना ज़्यादा साउंड है कि शायद ही आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे जंगल है, और 5-10 स्टेयर्स चढ़ने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया है कि ये टफ होने वाला है। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ फ्रूट टाइप का गिरा हुआ है, और ऊपर से कुछ लोग वापस जा रहे थे, उन्होंने हमें वो स्टिक दिया कि थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपका ऊपर जाने में, और बताया कि काफ़ी अच्छा है। तो भाई और पापा आगे आगे चल रहे हैं, और मैं पीछे पीछे अभी थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवा लेती हूँ, यहाँ पे अच्छा आएगा, उसके बाद फिर थोड़ा दूर और ऊपर जाके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे एक साइन बोर्ड बना हुआ है राधा, यहाँ पे एक साइन बोर्ड बना हुआ है, बट आई थिंक वो दूसरे जगह जाने का रास्ता होगा। हम इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला स्टेयर्स चढ़ के फिर थोड़ा वॉक करना है, तो स्टेयर्स तो हो गया, अभी वॉक करते हैं। और ऐसा जंगल जंगल सा है, तो शाम के टाइम तो आप नहीं आ सकते हो, बस यहाँ पे कोई जानवर ना आ जाए। ट्रीज इतने ऊपर ऊपर हैं, जी जंगल वाली वाइब आ रही है। अच्छी बात ये है कि आज धूप नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रात को और सुबह बारिश हुई थी, तो इस वजह से टेम्परेचर अच्छा है। ओ वाटरफॉल दिख गया, मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया, ओके। तो ये है वो वाटरफॉल, बारिश का टाइम नहीं है इसलिए काफी छोटा दिख रहा है, और यहाँ पे सर यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया है। अरे ज्यादा आगे मत जाइए, ये है नहीं आगे है, वैसे बीच में खड़े हैं, लेकिन वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन कोई और रास्ता होगा। ओके तो फोटो में तो शायद यही था ना, लोग वहाँ होता तो फोटो दिखा रहे थे, आप जाएंगे क्या नीचे उतरना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ जाएगा। ओ तो रास्ता है कोई, फाइनल ये था ऐसा, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने सोचा निकलने के पहले भी आपको एक बार दिखा दूँ, ऐसा है
पिक्चर में मैंने देखा था लोग वहाँ पे आसपास में भी जाते हैं बट उसका कोई रूट दिख नहीं रहा, और मैं भी वहाँ से ऐसे घूम के होगा बट वो पानी काफ़ी कम है तो वर्थ नहीं है जाना। तो अब फिलहाल हम इस जगह को बाय बाय करके हल्दी फंक्शन के लिए लेट हो रहे हैं तो वहाँ निकलते हैं। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, एंड है, वो लोग उधर जा चुके हैं तो मैं भी फटाफट निकलती हूँ। रास्ता थोड़ा ऐसा है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए हैं काफ़ी सारे, और थोड़ा बहुत रील भी मैं बना लेती हूँ अभी क्योंकि जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। वाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी आई, और अभी हम वापस जा रहे हैं और ये ज़्यादा ऊपर नहीं है तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। भाई कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया है। बढ़िया है ना? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर और रहूँ बट हल्दी फंक्शन के लिए हम लेट हो रहे हैं, घर जाके हमें चेंज भी करना है और उसके बाद रेडी होना है तो ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे यहाँ से जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना वहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस था, हार्डली सिर्फ 1.7 किलोमीटर था। तो अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं, उस टाइम सिर्फ हम लोग थे और एक कोई रिटर्न हो रहे थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, अभी लोग एक्चुअल में आ रहे हैं, तो जब हम आए थे तो सिर्फ हम थे, कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो ये अच्छा चीज़ था। तो हम सही टाइम पे आके सही टाइम पे लौट गए हैं, बस ऑलमोस्ट उतर चुके हैं। जितना फोर्स यहाँ दिख रहा है ना, जितना फोर्स में यहाँ पानी आ रहा है उससे कम फोर्स में मुझे वहाँ दिख रहा है। तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था वहाँ पर पानी बट उतना ज़्यादा था नहीं। तो अभी ऑलमोस्ट उतर चुके हैं, तो अभी फाइनल बाय बाय करते हैं, और स्टिक को भी बाय बाय कर दिया है, ये हमारा स्टिक। तो अब गाड़ी के पास आ गए हैं, अब चलते हैं हल्दी फंक्शन के लिए, होपफुली हम लेट ना हुए हों। तो मिलते हैं अब फंक्शन पे।